हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी स्टीम की विंटर सेल के ऊपर, और ये स्टीम की सेल के ऊपर थर्ड वीडियो है मेरी। और ये वीडियो आप में से कुछ लोगों ने मेरे से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी, तो ये वीडियो होने वाली है आपकी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर कोऑप गेम्स के ऊपर। आप ही लोगों ने ये वीडियो रिक्वेस्ट करी थी, तो ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। और एक और वीडियो है ये सेल के ऊपर मेरे माइंड में, मैं उसे परसों निकालूंगा। तो चलिए बढ़िया गेम्स की डील्स को देखते हैं। एंड आपने तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर आपने नहीं किया तो मेरी वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। एंड अकेले तो गेम को खेलोगे नहीं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर लेना, वो भी तो गेम्स खरीदेंगे ही। तो चलिए मैं अपने ब्राउजर में आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा ब्राउजर है और मैंने स्टीम खोल रखा है इसके अंदर, और जैसे कि आप देख ही सकते हो स्टीम की विंटर सेल चल रही है। इसके ऊपर मैं पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ, तो आप कुछ गेम्स उसके अंदर भी होंगी बढ़िया बढ़िया, जो आप उसमें देख सकते हो। दो वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। और गेम्स को बताने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, GTA 5, Fall Guys हो गई है, Among Us हो गई, ये सारी जो गेम्स हैं पॉपुलर है, तो ये आपको पता ही होगा कि मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली पॉपुलर है, तो आप देख ही सकते हो। GTA 5 आपको 1000 रुपीज में या तो एपिक गेम स्टोर में आपको 10 रुपीज में मिल जाती है, और ये आपको Fall Guys यहाँ पे 423 रुपीज की मिल जाएगी। Among Us आपको एपिक गेम स्टोर में 95 रुपीज की मिल जाएगी, स्टीम में 150 रुपीज की मिल जाएगी। तो इसको हटा देते हैं साइड में। तो सबसे पहली गेम की जो मैं बात करता हूँ वो है आपकी सर्वाइवल कोऑप गेम, ये है आपकी रस्ट। रस्ट आपकी वन ऑफ दी मतलब पॉपुलर गेम आपकी पकड़ लो। इसके जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं वो भी सबसे ज्यादा हैं, मतलब ऑनलाइन कोऑप मतलब जो सर्वाइवल गेम्स में। तो रस्ट आपकी एक सर्वाइवल कोऑप, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, मल्टीप्लेयर गेम है, आपको और लोग भी दिखेंगे आपको गेम के अंदर। तो ये एक बहुत बढ़िया रियलिस्टिक टाइप की थोड़ी सी है, तो आपको 602 रुपए की ये गेम मिल जाएगी। वन ऑफ दी पॉपुलर गेम है, आप इसको अपने टीम के साथ या फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, अच्छी गेम है ये। और जो नेक्स्ट गेम है, इसको पर्सनली मैंने खरीद के बाय करके खेला था, और बड़ी मजेदार गेम है ये। ये है आपकी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड, और इसके भी जो ऑनलाइन प्लेयर्स है वो भी बहुत ज्यादा हैं, मतलब बहुत ज्यादा खेला जाता है इसको। और इंडियन यूट्यूब में भी इसको ज्यादातर मैंने देखा है वीडियोस की, हाँ भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स खेलते हैं, कुछ जो सर्वाइवल माइनक्राफ्ट वाले प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं आर्क सर्वाइवल को भी, और वन ऑफ दी पॉपुलर सीरीज भी है उनके चैनल में, और इसलिए मैंने इसको खरीदा था और मैंने इसको खेला था, मेरे को मजा आया था। फिर उसके बाद मैं थक गया था क्योंकि मैं अकेले ही खेल रहा था, फ्रेंड के साथ खेलता तो ज्यादा मजा आता। मेरे फ्रेंड ने मेरे को एंड टाइम में मना कर दिया, तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं। ये आपको 219 रुपीज की मिल जाएगी 80% ऑफ में, बढ़िया गेम है, आप इसे बाय कर सकते हो। और जो नेक्स्ट गेम है मैं उसको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास अगर फ्रेंड्स हैं, मतलब आपने मल्टीप्लेयर गेम की रिक्वेस्ट करी थी, तो अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो ये गेम आपके लिए 100% रिकमेंडेड है। ये आपकी है सी ऑफ थीव्स, वन ऑफ दी बेस्ट गेम है अभी के टाइम पे। ये आपकी बेटर विद फ्रेंड्स के टाइम स्टीम की जो अवार्ड है उसके अंदर भी नॉमिनी हुआ है ये गेम, तो फ्रेंड के साथ तो अच्छी लगेगी। और ये 50% ऑफ है, 449 रुपीज की गेम है ये, एटलीस्ट 1% तो हो। आप इसे सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, थोड़ा मुश्किल होगा, इजी डिफिकल्टी में खेलोगे तो ठीक हो जाएगा, बट अगर फ्रेंड के साथ खेलोगे तो ज्यादा बहुत मजा आएगा, एक पायरेट बन जाओगे आप, तो और क्या चाहिए। और जो नेक्स्ट गेम है ये, तो ये भी आपकी बहुत पॉपुलर गेम है, द गेम अवार्ड शो में इसको एक अवार्ड मिला था बेस्ट डेब्यू गेम का, राजी के साथ में था ये गेम नॉमिनी, और उस राजी हार गई थी। तो इसका नाम है ये फैजमोफिया फोबिया, इसका नाम जो भी है, आप इसे खेल सकते हो। ये भी फ्रेंड के साथ मल्टीप्लेयर कोऑप गेम है, मजा आएगा। इसे पर्सनली नहीं मैंने नहीं खेला, बट मेरा फ्रेंड इसे लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो मैं उसकी लाइव स्ट्रीम में बैठ करके उसको देख रहा था। ये गेम आपको 395 रुपीज की मिलेगी, 10% ऑफ है ये गेम। और ये अगर आप VR गेम खेलते हो तो VR में भी सपोर्टेड है, बट मेरे को नहीं लगता कोई VR खेल रहा होगा इस समय इंडिया में, तो ज्यादातर लोग तो नहीं खेल रहे होंगे, कुछ 1% लोग होंगे, बट ये है गेम अच्छी, आप इसे भी खेल सकते हो। और जो नेक्स्ट गेम है ये, तो इसे मैंने खेला है पर्सनली, बहुत बढ़िया गेम है, अगर आप इसे सिंगल प्लेयर भी खेलोगे ना बहुत मजा आएगा। ये है आपकी वॉरहैमर वर्मिनटाइड 2, मैंने इसे खरीदा था, मेरे को तो बहुत मजा आया था, आप भी खेल सकते हो, बढ़िया गेम है, हैक एंड स्लैश गेम है, फर्स्ट पर्सन में आपको मारना होता है, मतलब गोर हैक एंड स्लैश गेम है, आप समझ जाओ, सिर्फ मारना आपको, बहुत बढ़िया गेम है। 75% ऑफ है, 174 रुपीज की है गेम, बढ़िया गेम है, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेला है, अकेले भी खेला, सिंगल प्लेयर भी बहुत बढ़िया है, और फ्रेंड्स के साथ खेलोगे तो और भी बढ़िया है। और जो नेक्स्ट गेम है ये काइंड ऑफ GTA बोल लो, बट GTA नहीं है ऑब्वियसली, और ये है आपकी पेडे 2, ये आपकी काइंड ऑफ हाइस्ट लूटर शूटर गेम है, ये हाइस्ट गेम है जिसमें आपको मतलब लूटना है, चोरी करना है, और मतलब फ्रेंड के साथ खेलोगे तो मजा आएगा, और ऑनलाइन कोऑप FPS गेम है, आपको मजा आएगा। 90% ऑफ, 34 रुपीज की गेम है, तो सुपर चीप गेम है, सुपर डुपर चीप गेम है, तो गेम बढ़िया है, आप इसे भी बाय कर सकते हो। एक टाइम पे कितना, 2017 में, हाँ ये मेरी फर्स्ट फ्री गेम थी जो मैंने इसे क्लेम किया था, 2017 में आई थी एक बार फ्री है, बट हाँ गेम अच्छी, आप इसे भी बाय कर सकते हो।
ये 34 रुपीज की इसलिए मिलती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे DLCs है, बट आपको अगर ज्यादा नहीं खेलना तो 34 रुपीज में ठीक है, आप अपने फ्रेंड को मना भी सकते हो कि हाँ ये खेल सकते हो। और जो नेक्स्ट गेम है ये पर्सनली ऐसी जो हैक एंड स्लैश वाली जो गेम्स होती है ना उनमें मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ये है आपकी लेफ्ट 4 डेड 2। इसे मैंने पहले भी बहुत बार ही रिकमेंड कर रखा है, बढ़िया गेम है, वन ऑफ दी पॉपुलर और बहुत तगड़ी गेम है, आप इसे खेल सकते हो। 80% ऑफ है, 69 रुपीज की ये गेम है, 69 रुपीज की। हाँ ओल्ड गेम है बट बहुत बढ़िया गेम है, आप खेलोगे ना अभी भी मज़ा आएगा। इनकी अभी क्या कहते हैं जो इसके जो डेवलपर्स हैं इन्होंने अभी लेटेस्ट गेम लेके आ रहे हैं, उसका नाम क्या है, बैक फॉर ब्लड है। हाँ वो 3000 रुपये की गेम है, हाँ वो अभी आई भी नहीं है, 2021 में आएगी, 2021 में आएगी, बट हाँ गेम अच्छी है, आप इसे बाय कर सकते हो, मज़ा आएगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे तो 4 प्लेयर तक खेल सकते हो, मतलब आप और 3 और आपके फ्रेंड्स, ज्यादातर 4 प्लेयर से ज्यादा नहीं खेल सकते, 4 प्लेयर्स तक आप खेल सकते हो। जो नेक्स्ट गेम है मैंने पर्सनली इसको नहीं खेला हूँ बट बहुत सारे स्ट्रीमर्स को मैंने खेलते हुए देखा है, इसका नाम है पैसिफाई, हॉरर गेम है। पर्सनली मेरे को इसमें पता नहीं हॉरर तो ज्यादा कुछ लगा नहीं, बट हाँ आप खेल सकते हो, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा है खेलते हुए, मेरे को अच्छा लगा था गेम प्ले तो मैंने भी सोचा कि चलो हाँ गेम अच्छी है तो आपको रिकमेंड करने लायक है ये। 339 रुपीज की गेम है, 30% ऑफ है और पॉपुलर तो है ही, आपके फ्रेंड्स के साथ खेलना है, सर्वाइवल कोऑप गेम है ये। और जो नेक्स्ट गेम है इसे अभी मैं रिसेंटली खेल रहा हूँ, वैसे तो सिंगल प्लेयर खेल रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड के साथ कोऑप भी खेल सकते हो, इसका ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन के बारे में ज्यादा मैंने खेला नहीं तो मैं बता नहीं सकता, बट आप इसे अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो। ये है Gears 5। गियर्स 5 एक बहुत बढ़िया गेम है, मैं भी खेल रहा हूँ, इसका स्टोरी मोड कैंपिंग मोड बहुत बढ़िया है, आप इसे खेल सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ खेलोगे तो और भी मजा आएगा, 2 प्लेयर के साथ और खेल सकते हो, बट हाँ गेम आप खेल सकते हो। 75% ऑफ है, 224 रुपीज की एक गेम है, तो 224 रुपीज में बहुत बढ़िया कोऑप गेम है, ट्रिपल ए टाइटल है ये, बढ़िया गेम है, आपके पैसे पूरे वर्थ होंगे, मेरे को तो अभी तक तो मजा आ रहा है ये, तो आप इसे खेल सकते हो 224 रुपीज में। और जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है FPS शूटर गेम में, ये आपकी टॉम क्लैंसीज रेनबो सिक्स सीज, वन ऑफ दी पॉपुलर गेम है, आपकी अभी भी इसके ऑनलाइन प्लेयर देखोगे तो ये सिर्फ स्टीम के प्लेयर है, मतलब स्टीम के थ्रू इतने लोग गए हैं, नहीं तो ये गेम और भी है, और भी लोग खेल रहे होंगे, 82,000 पीपल बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इसे खेल सकते हो। आपको जो भी इसमें लेना है ये आपका स्टैंडर्ड एडिशन है शायद से, हाँ 399 रुपीज का है, फिर ये तो लोग ज्यादा, मैंने जितना सुना लोग ज्यादातर लोग ये डीलक्स एडिशन बोलते हैं लेने के लिए, 494 रुपीज का, बट आपको अगर जो भी देखना है वैसे भी आप ले सकते हो। और इस ये गेम आपकी एपिक गेम स्टोर में भी है, आप इसे एपिक गेम स्टोर में भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे शायद से आपको सस्ती और सस्ती मिल जाएगी, बट अगर स्टीम से बाय करना है तो ये आपके पास ये ऑप्शन है, 494 रुपीज और 399 रुपीज। और जो नेक्स्ट गेम है ये शायद से आपके लिए वन ऑफ दी एक्सपेंसिव गेम मैं इस लिस्ट में बोलने वाला हूँ शायद से, क्योंकि मैं 2 गेम्स आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, ये आपकी Borderlands 2 एंड Borderlands 3, नहीं तो ये ले लीजिए Borderlands Handsome Collection, इसमें आपको प्री सीक्वल और आपके सारे DLCs एंड मिल जाता है। और अगर आपने एपिक गेम स्टोर में इसको फ्री में एक बार आई थी तो अगर आपने क्लेम कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपकी ये गेम आपको Borderlands 2 आपको 249 रुपीज में मिल जाएगी और ये आपकी Borderlands 3 आपको 986 रुपीज में मिल जाएगी। दोनों बहुत बढ़िया गेम है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, कोऑप गेम है, मल्टीप्लेयर कोऑप गेम है, कोऑप तो अपने फ्रेंड के साथ, इसका स्टोरी मोड जो है कैंपिंग आप खेल सकते हो, आपको मजा आएगा। मैंने इसको खेला था अपने फ्रेंड के साथ, Borderlands 3 मेरे दोस्त के पास नहीं है तो वो मेरे साथ नहीं खेल पाया, बट मैंने Borderlands 3 थोड़ी सी खेली, ज्यादा तो नहीं खेली, बट हाँ Borderlands 2 में हमें मजा आया था, तो आप खेल सकते हो। Borderlands 3 का ये प्राइस मैं आपको एपिक गेम स्टोर में दिखा देता हूँ, आपका ये वाला सुपर डिलक्स एडिशन आपको मिल जाएगा 1480 रुपीज का, तो इसमें 750 रुपीज आपको ऑफ मिल जाएगा, तो आप जो भी आप देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट गेम है ये भी बहुत बढ़िया ओपन स्पेस बोल लीजिए, ओपन वर्ल्ड नहीं ओपन स्पेस गेम है ये, यूनिवर्स गेम है ये आपकी, ये है नो मैन्स स्काई आपकी बहुत बढ़िया गेम, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव गेम बोल लो अगर आप इसको, तो बहुत बढ़िया गेम है ये, 899 रुपीज की ये गेम है, 99 रुपीज की, तो आप इसे बाय कर सकते हो, इसकी स्टीम अवार्ड में भी आया है और इसे बेस्ट ऑनगोइंग गेम का भी अवार्ड मिला था द गेम अवार्ड शो में अभी रिसेंटली, तो या इसमें है बात, और स्पेस गेम है तो आप इसे खेल सकते हो, ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल स्पेस गेम है, ओपन वर्ल्ड जो भी इनका टैग इन्होंने दे रखा है तो आप देख सकते हो। और जो नेक्स्ट गेम है, आप में से कोई एक मेरे को बोल रहा था कि मेरे को रेसिंग गेम के बारे में बताओ जो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल पाऊं, तो रेसिंग गेम आपको ये मिलेगी द क्रू 2, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये आपकी नई गेम बोल, नई तो नहीं है बट नई मतलब जो अभी भी चल रही है, तो 3200 लोग खेलते हैं ऑनलाइन अभी, 3200 लोग खेल रहे हैं इसके अंदर, और आप इसे अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो। ये आपको 500 रुपीज की मिल जाएगी और 600 रुपीज की इसका डीलक्स एडिशन, और स्टैंडर्ड एडिशन आपको 500 रुपीज का मिल जाएगा, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट
कार रेसिंग में आपको बोल सकता हूँ। मैं आपको नीड फॉर स्पीड क्यों नहीं रेकमेंड कर सकता, क्योंकि उसके अंदर आपको एक तो गाड़ियां कम मिलती है और वो महंगी भी गेम है, ठीक है। कितना 1300 to 1400 रुपीज के बीच में मिलती है वो। और मैं आपको अपनी फेवरेट गेम बताऊं कार रेसिंग में, तो वो है आपकी फोर्ज़ा होराइज़न 4 आपकी बहुत महंगी आती है। इसे मैंने खरीदा था, ये 3000 रुपए की खरीदी थी मैंने, हाँ अल्टीमेट एडिशन मैंने इसको बाय किया था 3000 रुपए में। आप इसका स्टैंडर्ड एडिशन ले सकते हो 2000 रुपीज में आपको मिल जाएगा, अगर आपको लेनी है तो। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर सेल चल रही, तो आप यहाँ से भी आप ले सकते हो अगर आपको लेनी है तो। नहीं तो अगर आपको सिर्फ कार रेसिंग खेलनी है तो ये आपके पास एक ऑप्शन है द क्रू 2 का, तो आपको ये 500 रुपीज में मिल जाएगी। आपकी 4 आवर्स तक आप इसे टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद अगर आपको खेलना है तो 500 रुपीज या 599 रुपीज आप देख के खेल सकते हो। आपकी MMO गेम है, मल्टीप्लेयर आपको मतलब ऑनलाइन कनेक्टेड रहना पड़ेगा और अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। और मैं इसका मेन बात आपको बताना भूल गया, इसका जो मैप है वन ऑफ द बिगेस्ट मैप है आपकी कार रेसिंग गेम में। आपका पूरा US है, आप पूरा US घूम सकते हो यार, बड़ा मजा आता है। मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमा हूँ, बहुत मजा आया था, पूरा मतलब 2 घंटा हम घूमे थे और मैप फिर भी खत्म नहीं हुआ था, सोचो आप। तो ये है, तो यही कुछ आपकी छोटी सी लिस्ट थी। मैं पूरी गेम्स आपको नहीं बता पाया, क्योंकि पूरी गेम्स मैं कैसे बता सकता हूँ, आप भी जानिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, और आपको अपने फ्रेंड के साथ ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स खेलने तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से ये वीडियो शेयर करिएगा, जो कि उनको पता चल जाए। और आपको ऐसी गेमिंग एंड गेमर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जैसे ही मैं डालूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। और आपके पास कोई भी कमेंट है, फीडबैक है, तो मेरे कमेंट सेक्शन को जरूर से यूज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।